अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ हीरा असलम परवेज और आप देख रहे हैं मेकअप ब्यूटी बॉक्स चैनल। आज मैं आपके लिए लाई हूँ मैक बेस यूज करने के चार अलग तरीके, वो भी समर्स में फॉर एवरी स्किन टाइप। अच्छा जी, अक्सर गर्ल्स जो है ना वो ये गलती करती हैं कि ना अपनी स्किन से हटकर फाउंडेशन और स्टिक बाय कर लेती हैं, जो उनको यूज भी करना नहीं आता और उनके पैसे भी वेस्ट हो जाते हैं। सो ये वीडियो उन्हीं गर्ल्स के लिए है। इसी वीडियो के एंड में बहुत ही आला किस्म का कस्टमाइज बेस बनाना मैंने आप लोगों के लिए सिखाया है, तो आपने वीडियो को एंड तक देखना है। अच्छा दीजिए, मैं आपको मैक की बेस दिखा रही हूँ, उसको वेट केक भी कहा जाता है और ये पाकिस्तान में बहुत पॉपुलर है, लेकिन ये पाकिस्तान में ही बनती है और बहुत ही ज्यादा इसके अच्छे रिजल्ट्स हैं और इसके प्राइस बहुत ही रिजनेबल है, 300 to 400 तक में आपको ये मिल जाती है। अच्छा जी, फेक और ओरिजिनल की पहचान ये है कि जब भी आप इसको टच करोगे तो ये प्रेस हो जाएगा और बहुत ही सॉफ्ट क्रीमी सा इसका टेक्सचर है, और जब आप स्वेच करोगे तो अच्छे से आपके हैंड्स में स्वेच भी आ जाएगा और विजिबल भी होगा, और कोई भी वेदर हो ये हार्ड नहीं होता। और सेम ऐसा ही पैनकेक आपको कलर इंस्टीट्यूट में भी मिल जाता है, इसको भी मैंने यूज किया, ये क्वालिटी वाइज बहुत अच्छा है और तकरीबन सेम सेम इसकी प्राइस है। ये मैंने 350 का बाय किया था, इसकी भी ओरिजिनल और फेक की पहचान वही तरीके कार है। इसका शेड है 45। मोस्टली पॉलर्स में यही दोनों बेस यूज किए जाते हैं। अच्छा जी, मेकअप से पहले स्किन की प्रिपरेशन इज वेरी वेरी नेसेसरी, और वैसे भी गर्मियों में पसीना और ऑयल आपकी स्किन पर बहुत ज्यादा आता है, तो आपने मेकअप करने से पहले अपने फेस पर आइसिंग करनी है एंड देन आपने मॉइस्चराइजर अप्लाई करना है। मॉइस्चराइजर लाइट वेट होना चाहिए वेदर के हिसाब से, अगर आप ये वीडियो सर्दियों में देख रहे हो तो फिर आप उसी हिसाब से अपने फेस को मॉइस्चराइज करोगे। जो भी आपके पास मॉइस्चराइजर अवेलेबल हो आप वो लगा सकते हैं। फर्स्ट आपने अपने फेस को क्लीन करना है, उसके बाद आपने अपने फेस पर आइसिंग करनी है एंड देन आपने अपने फेस को मॉइस्चराइज करना है और गेप लाजमी देना है, फौरन से आपने कोई भी चीज अप्लाई नहीं करनी। अच्छा जी, इसके बाद हम लगाएंगे प्राइमर। प्राइमर मैं ले रही हूँ विटमी का। अच्छा जी, आगे जो मैं आपको मेथड बताने वाली हूँ मेक बेस यूज करने के चार अलग तरीके, किसी में प्राइमर यूज होगा और किसी में नहीं, तो वीडियो को बिना स्किप किए गौर से आपने देखना है। अच्छा जी, अब हम चलते हैं अपने मेथड नंबर वन की तरफ। सबसे पहले आपने एक फ्लैट सा ब्रश लेना है, मैंने लिया है जोइवा का फ्लैट ब्रश। अपने फ्लैट ब्रश को हम वाटर में डिप कर लेंगे, फिर ब्रश की मदद से अपने मेक बेस को हम पिक करेंगे। अच्छे से इसको मिक्स करने के बाद हमारा थिक सा एक पेस्ट बन जाएगा, फिर हम इसे अच्छे से अपने फेस पर अप्लाई कर लेंगे ब्रश की मदद से ही। इसके बाद हम करेंगे अपने बेस को ब्लेंड, इसके लिए मैं ले रही हूँ ब्यूटी ब्लेंडर, लेकिन अगर आपको ब्लेंडिंग करना अपने ब्रश से पसंद है तो आप ब्रश की मदद से भी कर सकते हैं, और अगर आपको स्पंज से पसंद हो तो आप स्पंज से भी ब्लेंडिंग कर सकते हैं, लेकिन इस बात का खास ख्याल रखें कि आपका ब्यूटी ब्लेंडर वेट हो। इसके बाद हम कर लेंगे अपने बेस को सेट, इसके लिए ले रही हूँ मेडोरा का कॉम्पैक्ट पाउडर, आप किसी भी कंपनी का कॉम्पैक्ट पाउडर यूज कर सकते हैं जो भी आपके पास अवेलेबल हो। अच्छा जी, यहाँ पर हमारी कवरेज बहुत हल्की फुल्की लाइट सी कवरेज है, बहुत ज्यादा हाई कवरेज नहीं है। यहाँ पर हमारी डेली वेयर बेस रेडी है और छोटे मोटे फंक्शन पे भी आप इसे अप्लाई कर सकते हैं, और हमारी खवातीन इसे ईद त्यौहार पर भी यूज कर सकती हैं, क्योंकि हमारी खवातीन का ईद त्यौहार पर ज्यादातर वक्त किचन में ही गुजरता है। अच्छा जी, यहाँ पर हमारा मेथड नंबर वन कम्प्लीट हो गया है, अब हम चलते हैं मेथड नंबर टू की तरफ। मेथड नंबर टू में मैं आपको बताऊंगी जबरदस्त किस्म की ग्लोइंग बेस। इस मेथड में हम प्राइमर यूज नहीं करेंगे क्योंकि हम स्टिक अप्लाई करेंगे, बाकी स्किन प्रिपरेशन आइसिंग और मॉइस्चराइजर मैं अप्लाई कर चुकी हूँ। स्किन प्रिपरेशन के बाद हम अप्लाई करेंगे क्रायलॉन टीवी पेंट स्टिक, आप अपने स्किन के अकॉर्डिंग नंबर ले सकते हैं, मैंने अपने स्किन के अकॉर्डिंग नंबर यूज किया है F1, और ब्लेंड करने के लिए मैंने कोई ब्रश नहीं लिया, डायरेक्ट मैं फिंगर की मदद से ही इसे ब्लेंड कर रही हूँ, और यहाँ हमारी अच्छे से ब्लेंडिंग कंप्लीट हो गई है जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं। अच्छा जी, अपने बेस को ग्लोइंग लुक देने के लिए आप कोई सा भी लिक्विड हाईलाइटर यूज कर सकते हैं जो भी आपके पास अवेलेबल हो। मैं यहाँ आइकोनिक का इल्यूमिनेटर पिंकी शेड में यूज कर रही हूँ। इसको अप्लाई करने के बाद अच्छे से हम फिंगर की मदद से ही इसको ब्लेंड कर लेंगे। इल्यूमिनेटर अप्लाई करने के बाद फौरन ही आपने बेस अप्लाई नहीं करना है, कुछ टाइम का आपने गेप देना है ताकि इल्यूमिनेटर अच्छे से ड्राई हो जाए और आपकी स्किन में सेट हो जाए। इसके बाद मेक का बेस लेकर थिक सा पेस्ट बनाकर आपने अप्लाई करना है ब्रश की मदद से ही। इसके बाद वेट ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से हम इसको अच्छे से सेट कर लेंगे, और ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से जस्ट डैब डैब करके आपने अपने बेस को सेट करना है। अब हम करेंगे अपने बेस को लॉक कॉम्पैक्ट की मदद से। कॉम्पैक्ट ले रही हूं मैं काशी से, इसका नंबर है 9 और ये थोड़ा पिंकी शेड में है। कॉम्पैक्ट को अच्छे से भर भर के हमने अप्लाई कर लिया है, अब मैं करी ब्रश की मदद से एक्स्ट्रा पाउडर डस्ट ऑफ। अच्छा जी, यहाँ पर हमारी रेडी है बहुत ही शाइनिंग और ग्लोइंग सी बेस। अच्छा जी, ये मैंने आपके साथ पार्लर सीक्रेट बेस शेयर किया है, ज्यादातर पार्लर्स में इसी तरह बेस बनाकर अप्लाई किया जाता है। अब हम चलते हैं मेथड नंबर थ्री की तरफ। मेथड नंबर थ्री में हम अप्लाई करेंगे फाउंडेशन। स्किन प्रिपरेशन मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ, स्किन प्रेप करना अगेन नहीं बता रही वरना इस तरह हमारी वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। फाउंडेशन मैं ले रही हूँ एमिली पेरिस की, इसका नंबर है 1। आप कोई भी फाउंडेशन यूज कर सकते हैं जो भी आपके पास अवेलेबल हो। फाउंडेशन अप्लाई करने के बाद अपने ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से हम इसको जस्ट डैब डैब करके ब्लेंड करेंगे। आपने इस बात का खास ख्याल रखना है कि आपका ब्यूटी ब्लेंडर वेट हो, और फाउंडेशन अप्लाई करने से पहले आपने अपने डार्क सर्कल पिंपल्स और रेड पिगमेंटेशन वगैरह को सबसे पहले हाइड कर लेना है कलर करेक्टर की मदद से। देन
उसके बाद आपने फाउंडेशन अप्लाई करनी है। अच्छा जी, फाउंडेशन हमने अप्लाई कर ली है। अब मैं ले रही हूँ मेक का बेस, इसमें मैंने वाटर मिक्स करके पेस्ट बना लिया है। अब मैं इसको अप्लाई कर रही हूँ ब्रश की मदद से। अच्छे से इसे अप्लाई करने के बाद ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से हम इसको सेट करेंगे। अच्छे से ब्लेंडिंग करने के लिए आपने स्पंज को बिल्कुल भी रगड़ना नहीं है, जस्ट डैब डैब करके आपने अपनी फाउंडेशन को अच्छे से ब्लेंड करना है। अपने बेस को लॉक करने के लिए हम अप्लाई करेंगे लूज पाउडर। आप इसकी जगह कॉम्पैक्ट पाउडर भी अप्लाई कर सकते हैं। मैं यहाँ लूज पाउडर यूज कर रही हूँ मिस रोज का, इसका शेड है आइवरी। यहाँ आप मेरे दोनों हाथों में डिफरेंस चेक कर सकते हैं। ये हमारा बन गया है वाटरप्रूफ बेस। अब चाहे स्वेटिंग आए या ऑयल आए, ये टच से मस नहीं होगा और ना ही हटेगा और ना ही फटेगा। ये हमारा बन गया है मॉडल मेकअप बेस। अब हम चलते हैं मेथड नंबर 4 की तरफ। अब मैं आपके साथ शेयर करने लगी पार्लर सीक्रेट बेस। अक्सर मेकअप आर्टिस्ट अपने पार्लर के बेस को राज रखती है, तो आज हम उनके राज को करने वाले हैं फाश। सबसे पहले हमने एक खाली कंटेनर ले लिया है, इसमें मैं क्रायलोन का पैनकेक आइवरी शेड इसका स्क्रेच करके डालूंगी। इसके बाद मैं ले रही हूँ मेकअप बेस, इसका शेड भी आइवरी है। इसमें वाटर एड करके एक पेस्ट बनाकर अपने कंटेनर में डालूंगी। अब हम एड करेंगे प्राइमर। प्राइमर में ले रही हूँ फिटमी का, बिल्कुल थोड़ा सा आपने प्राइमर एड करना है जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। इसके बाद मैं ले रही हूँ क्रायलोन की टीवी पेंटिस्टिक, इसका नंबर है F1। जस्ट थोड़ी सी अमाउंट हम इसकी अपने बेस में एड करेंगे और थोड़ी सी अमाउंट हम फाउंडेशन की एड करेंगे, इसका नंबर है 1। ये है एमली पेरिस की। अच्छा जी, इस बेस के लिए शेड्स आप अपनी स्किन के अकॉर्डिंगली ले सकते हैं। और हम इसमें ऐड करेंगे लूज पाउडर थोड़ा सा, इसका शेड है आइवरी, ये है मिस रोज का। और हम इसमें ऐड कर रहे हैं आइकोनिका इल्यूमिनेटर, इसका शेड है पिंक। ये हमारे बेस को ग्लोइंग लुक देगा। और अगर आपके पास इस तरह लिक्विड हाइलाइटर अवेलेबल ना हो तो आप कोई भी पाउडर हाइलाइटर भी इसमें ऐड कर सकते हैं स्क्रेच करके। अब यहाँ पर मैं अपने बेस में म्यूजिक फ्लावर का पाउडर ब्लश नंबर 4 ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा। ये पाउडर सीक्रेट फार्मूला आपके सामने है। तमाम इंग्रेडिएंट्स को आपने अच्छे से मिक्स करना है। यहाँ पर मैंने हाफ हैंड पर अप्लाई करके इसको अच्छे से सेट कर लिया है। मजीद यहाँ पर आपको एक टिप्स देती चलूं, अगर आपने इस तरह बेस बना लिया लेकिन आपकी स्किन के अकॉर्डिंग नहीं है तो आपने इस तरह का कलर करेक्टर लेकर उसमें ऐड कर लेना है। फेयर बेस की तरफ आपने जाना है तो आप इसमें व्हाइट कलर का कलर करेक्टर ऐड करेंगे, लेकिन अगर आपको डार्क की तरफ जाना है तो आप इसमें ब्राउन कलर का कलर करेक्टर ऐड करेंगे। और अगर आपके पास कलर करेक्टर ना हो तो आप अपनी आई शेडो पैलेट में से ब्राउन कलर स्क्रेच करके इसमें डाल लें, वो भी इसी तरह काम करेगा। यहाँ आप देख सकते हैं मैंने अपने बेस को मजीद 1 टोन फेयर कर लिया है। वेट ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से हम अपने बेस को अच्छे से बिठा लेंगे। अब हम करेंगे अपने बेस को सेट। इसके लिए ले रही हूँ मैं काशी का कॉम्पैक्ट पाउडर नंबर 9, थोड़े पिंकी शेड में है। अच्छे से भर भर के हम अपने कॉम्पैक्ट को अप्लाई करेंगे। अब हम करेंगे अपने बेस को लॉक। इसके लिए ले रही हूँ मैं फैसिएट का सेटिंग स्प्रे। किसी भी स्पंज की मदद से आप अपने बेस को मजीद सेट करेंगे जस्ट डैब डैब करके। सीक्रेट ब्राइडल पॉलर बेस रिजल्ट आपके सामने है। ये एक लॉन्ग लास्टिंग वाटर प्रूफ बेस है। ये वही बेस है जब आप पॉलर जाते हैं तो आप पॉलर वाली आपके फेस पर लगाते तो आप समझते हैं ना जाने पॉलर वाली ने आपके फेस पर क्या ही जादू कर दिया है। इसी बेस के ना जाने कितने हजार रुपए से आप अपने पॉलर वाली को देकर आते हैं। ये एक लॉन्ग लास्टिंग वाटर प्रूफ बेस है। इसको अप्लाई करने के बाद आपके फेस पर पसीना आए या ऑयल आए, आपका बेस कहीं भी नहीं जाएगा, ना ये हटेगा ना ही फटेगा और ना ही कहीं से क्रेक होगा। आप इसे पार्टी मेकअप, मॉडल मेकअप, इवन आप इसे ब्राइडल मेकअप में भी यूज कर सकते हैं। यहाँ मैंने इसे अच्छे से वॉश कर लिया है, सोप भी इसके ऊपर अप्लाई कर लिया है, मगर ये फिर भी नहीं हट रहा था। काफी हाई कवरेज ये बेस है हमारा। यही बेस मैं आपको मेहंदी के ऊपर अप्लाई करके दिखाती हूँ। आप देखेंगे कि हमारी जो मेहंदी है वो बिल्कुल हाइट हो जाएगी। अब जो मेथड मैं आपको बताने वाली हूँ ये स्पेशली उन गर्ल्स के लिए जिनके फेस पर पिंपल्स हो, रेड पिगमेंटेशन हो, वो गर्ल्स ये मेथड अप्लाई करें बेस अप्लाई करने से पहले। सिर्फ जिस एरिया में आपका पिंपल और रेड पिगमेंटेशन हो सिर्फ उसी एरिया में आप ग्रीन कलर का कलर करेक्टर अप्लाई करेंगे। कलर करेक्टर अच्छे से ब्लेंड करने के बाद आप इसी के ऊपर बेस अप्लाई करेंगे। और अगर आपका सलोन है तो आप इस बेस को बनाकर स्टोर भी कर सकते हैं, या फिर वो गर्ल्स जिनको बहुत ज्यादा मेकअप का क्रेज है तो वो गर्ल्स भी बनाकर अपने लिए रख सकती हैं। अच्छा जी, आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने अच्छे से इसे अप्लाई कर लिया है। इसके बाद हम ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से जस्ट डैब डैब करके इसको हम ब्लेंड करेंगे। ब्यूटी ब्लेंडर मैंने वेट लिया है तो थोड़ी देर मैंने पानी में भिगो कर रख लिया था। इसके बाद मैंने इसको स्क्वीज कर लिया, सारा पानी इसका निचोड़ लिया, देन इसके बाद इसको मैंने डैब डैब करके ब्लेंड कर लिया है। इसके बाद हम अप्लाई करेंगे कॉम्पैक्ट। कॉम्पैक्ट ले रही हूँ मैं काशीज का नंबर 9। आप इसकी जगह कोई से भी कॉम्पैक्ट अप्लाई कर सकते हैं जो भी आपके पास अवेलेबल हो या आपका जो भी फेवरेट हो। इसके बाद फिक्सिंग स्प्रे की मदद से हम इसे सेट कर लेंगे। जी, सो रिजल्ट आपके सामने है। आप देख सकते हैं कि हमारी मेहंदी बिल्कुल हाइड हो चुकी है। वीडियो आपको कैसी लगी आपने मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है। और अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और मुझे सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। अपना रखिएगा ढेर सारा ख्याल, मुझे रखिएगा दुआओं में याद। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।